लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। सारंगढ़ के बरमकेला धनी गांव मनोज पटेल द्वारा की गई निर्माण कार्यों का हुआ खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। ताजा मामला बरमकेला जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धनी गांव का है, जहां एक तरफ सरपंच ओडीएफ घोटाले की स्वयं पुष्टि कर रहे हैं और गांव में भी उनकी दबंगई पूर्वक निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचारी होने की गाथा गांव में चर्चित है। सीसी रोड के ऊपर में सीसी रोड निर्माण व दो जगहों पर नाली निर्माण जो आज भी आधा अधूरा है, तो वहीं दूसरी तरफ जंगली वृक्षों को भी भारी मात्रा में अवैध रूप से कटवा दिया गया तथा ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय निर्माण नहीं होने से भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी होने की बात कही जा रही है। तथा वहीं आपको बता दें, सरपंच श्री मनोज पटेल द्वारा शौचालय निर्माण कार्यों का ठेका देकर निर्माण कार्य करवाया गया, जिसमें गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करवाया गया। जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो आज भी पूर्ण रूप से शौचालय निर्माण नहीं करवाया जा सका है। शासन की निर्धारित प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए है, पर यहाँ महज 3-4 हजार रुपए में ही शौचालय निर्माण करवा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रिका भास्कर, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं बरमकेला अंतर्गत आने वाले गांव धनी गांव, ग्राम पंचायत धनी गांव। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा योजना जो शौच मुक्त अभियान जो चलाए गए हैं, उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाया गया। आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों का इस संबंध में कहना क्या। जी हाँ, आपके जो पीछे में ये शौचालय बना हुआ है, कौन बनाया है इसको? मैंने सरपंच बनवाया है कि आप स्वयं बनाए? सरपंच नहीं बनवाया है, ये मैंने बाकी आदमी आया था, नवा पारा के थाली छोड़ा के थाली से राजे बाम उनको पहले बनाई नहीं सकता था। अच्छा, ठेका में दे दिया था सरपंच? हाँ, आप जैसा कैसे करा था वही लोग जानेगा। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो क्या क्या बन गया है इसमें? क्या सब कुछ नहीं हुआ। तो घर में शौचालय सेप्टिक बन गई से नहीं बनी से, और जो पीछू में थे कहा नहीं बने था नहीं बनी से, कमरा चर बनी से पूरा आठ बटिया है। शौचालय में सीट उठ नहीं बने नहीं बनी से। ये आप मन के यहाँ शौचालय बने हैं जो शौचालय आठ बटिया है, मतलब कैसे अटबटिया का काम नहीं हुए? अब तो गड्ढा नहीं है, टंकी नहीं है, सीट नहीं है, कुछ नहीं लगे। मकान तैयार कर दे। हाँ, मकान कौन है? मनोज थे? मनोज पटेल जी अपना। मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है, मैं ग्राम पंचायत धनी गांव का सरपंच हूँ। अच्छा, यहाँ आपके ग्राम में और जितने भी आश्रित गाँव है यहाँ? हाँ सर। और वहाँ SBM शौचालय टारगेट कितना मिला था बनवाने के लिए? टारगेट तो नहीं दिए थे सर, पहले क्या है रंगाड़ी में बनाने के लिए किए थे, हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था, तो उस टाइम में सागर के सागर लोग थे सर, जिला सीओ, तो सागर में ट्रेनिंग लिए थे, जैसे भी बनाना है शौचालय बनना चाहिए ऐसे टाइप के हम लोगों को भी बताया गया था सर। टारगेट पूछ रहा हूँ, टोटल टारगेट 255 था, उतना बनना था, अब तक कितने बन गए हैं पंचायत में? अभी भी बन रहा है सर, कार्य प्रगति पर है, लगभग 100 से ऊपर हो चुका है सर। अच्छा, बनवा कौन रहा है उसको? पंचायत ही बनवा रहा है सर, हृदयी तो बना नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हृदयों को बोलते हैं फिर भी नहीं बनाते, गड्ढा तक नहीं खुनते सर, इसीलिए काम गड्ढा का चलते रुका हुआ है। यहाँ पहाड़ है, इसी पहाड़ को खुदाई के चलते रुका हुआ है सर काम। अब तक कितनी बन गई कंप्लीट? कंप्लीट लगभग, कंप्लीट उतना पूरा नहीं हुआ है सर, बहुत कार्य प्रगति पर अधूरा भी है। लगभग कितनी बन गई है? लगभग 100 के आसपास होगा सर, 50-100 के आसपास। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ से चंद्रिका भास्कर की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल indialivenewschannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, www.indialivenews.co.in। नमस्कार।